मर्यादा में रहना हमने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी से सीखा है मर्यादा में कैसे रखे हमने श्री कृष्ण जी से सीखा है मर्यादा में रहना प्रभु रामचंद्र जी से सीखा है लेकिन मर्यादा में रखना कैसे है ये श्री कृष्ण जी से सीखा है मर्यादा में रहकर मर्यादा में रखकर मनमोहन होकर लीलाधारी मोहिनी स्वरूप से सीखा है विष्णु जी का यह रूप संपूर्ण समर्पण है क्या ऐसे किम्यागार ब्रह्मास्त्र से मिलना चाहते हो हेल्प मी टू वेलकम आवर मोस्ट वॉन्टिंग ग्रेट ट्रेनर ग्रेट मोटिवेटर नन अदर बट अवर मोस्ट डायनामिक इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर के एम रफीक सर जी से मैं विनती करूंगी कि जो ट्रेनिंग जो मोटिवेशन जो आत्मनिर्भरता आपने आज तक सिखाई है हम जानना चाहते हैं जो लखपति आज करोड़पति यहाँ पे है जो मिलियन है वो हमारा वाउचर कैसे बढ़ा सकते हैं Good morning, Maharashtra. Good morning. Good morning, Gujarat. Good morning. Wonderful. So, thank you very much. Uh, first, uh, thanks to prajit ji for the wonderful session. The recipe he told, the success of Peru, Mexico, everywhere, where we number one, number two, number three position. Mein hai. The same recipe, when we have, we can also have the success towards what Peru, Bolivia, Mexico is having. I have a small session, hai, around 45 to 50 minutes. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट कुछ फैक्टर्स है जो फैक्टर्स हमारा सक्सेस डी एक्सन में निर्णय करता है अगर वो फैक्टर सही है तो हमारा सक्सेस डी एक्सन में 100 परसेंट गारंटीड है अगर वो फैक्टर सही नहीं है यहाँ पे हमें कोशिश करना चाहिए ये सेशन में मैं भी आपको बताने की कोशिश करूँगा वो फैक्टर को हम कैसे ठीक करें अगर वो ठीक हो जाएगा तो ये गारंटीड सक्सेस हमें भी मिल सकता है तो ये फैक्टर्स क्या है उसके बारे में हम आज बात करेंगे पहला चीज है हा आज का जो सेशन है हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे ठीक है बिकॉज प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हर एक नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक भूमिका रखता है और सही प्रोडक्ट बिकॉज डी इज ए रियल कंपनी सो इसीलिए रियल प्रोडक्ट होना बहुत बहुत जरूरी है DXN ने अगर हम देखेंगे दो चीज की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है वन है क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सेकंड है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट माने रहता है ये फैक्टर एक बहुत बड़ा भूमिका रखता है हमारा डीएक्सन में सक्सेस होने में बिकॉज प्रोडक्ट सही रहेगा तो बिजनेस सही रहेगा अगर प्रोडक्ट सही नहीं रहेगा तो बिजनेस कहां से होगा यू अग्री विथ मी सो प्रोडक्ट के बारे में जानना ये प्रोडक्ट को कैसे मजबूत करना ये प्रोडक्ट का अप्लीकेशन कैसा करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है डी एक्सन में वी टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पहला टाइप है फिजिकल प्रोडक्ट ये जो ये सारी प्रोडक्ट आप देखते हो इसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रोडक्ट जैसे आपका आर जी हो गया जीएल हो गया स्पाइरोना कॉफी चाय शैंपू जितने भी नए नए, नए प्रोडक्ट आता है ये सारी प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है हमारा बिजनेस में सक्सेस होने में सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ये फिजिकल प्रोडक्ट ये जो फिजिकल प्रोडक्ट है ये कहां तैयार होता है ये कहां तैयार होता है फैक्ट्री में तैयार होता है सिद्धिपेट में तैयार होता है पौंडिचेरी में तैयार होता है बद्दी में तैयार होता है जब ये प्रोडक्ट वो फैक्ट्री में तैयार होता है इसका क्वालिटी को कंट्रोल करना ये क्वालिटी से ये प्रोडक्ट हमें देना इसकी जिम्मेदारी किसका है फैक्ट्री का है जो सिद्धिपेट फैक्ट्री से तैयार हो रहा है तो वो प्रोडक्ट का क्वालिटी को मेंटेन करना कौन से फैक्ट्री की जिम्मेदारी है सिंधीपेट फैक्ट्री का ऐसे ही पॉण्डीचेरी फैक्ट्री का यह बात थोड़ा समझो तो आगे आने में, में मेरा सेशन आपको समझ में आएगा ठीक है ये जो क्वालिटी ये रिस्पॉन्सिबल लेना चाहिए जो लोग ये प्रोडक्ट को तैयार करते हैं चैलेंजेस so, आता है अगर रेक्टिफिकेशन होता है ये सारी चीज जो फैक्ट्री इसे तैयार करता है उसकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर ये प्रोडक्ट अच्छा काम करता है वो फैक्ट्री का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर ये फैक्ट प्रोडक्ट में कोई चैलेंजेस आता है उसकी जिम्मेदारी भी वही फैक्ट्री है यू अग्री विथ मी क्लियर है यहां तक वेरी गुड सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट दिस वन वी कॉल्ड वर्चुअल प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट है बट ये प्रोडक्ट को आप देख नहीं सकते हो ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट इतने ताकतदार प्रोडक्ट है 60% परसेंट ऑफ ओवर सक्सेस डिपेंड ऑन दिस प्रोडक्ट जो वर्चुअल प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूं 40% इसका काम है 60% ये वर्चुअल प्रोडक्ट का काम है ये जो प्रोडक्ट है ये रेस्पॉन्सिबल है ये जो वर्चुअल प्रोडक्ट का रिस्पॉन्सिबल है ये प्रोडक्ट को मूव करना ये प्रोडक्ट को बेचना ये प्रोडक्ट को ताकतदार बनाना अगर ये प्रोडक्ट कमजोर है जितने भी अच्छे प्रोडक्ट ये साइड में रहेगा उसकी फायदा कंपनी या आपका नेटवर्क या आपका बिजनेस नहीं ले पाएगा तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो वर्चुअल प्रोडक्ट है इसका क्वालिटी बहुत ताकतदार होना नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रॉगेस्ट कैटेगरी ये जो स्ट्रॉगेस्ट कैटेगरी है ये प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे अच्छा ये प्रोडक्ट कहां तैयार होता है इसे तो पता है सिद्धिपेट में तैयार होता है पाण्डिचेरी में तैयार होता है ये जो वर्चुअल प्रोडक्ट में बात करता हूं ये कहां तैयार होता है और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है ये तैयार होता है यू कहां तैयार होता है आप तैयार करते हो हर एक व्यक्ति जो डीएक्सएन में ज्वाइन करता है वो ये खुद का खुद एक फैक्ट्री है ये समझो बात आप ये प्रोडक्ट तैयार करते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है डीएक्सएन में ये सारी प्रोडक्ट को चलाता है वो प्रोडक्ट तैयार करने का जिम्मेदारी किसका पास है डिस्ट्रीब्यूटर का पास है सो so, ये जो प्रोडक्ट है क्या प्रोडक्ट है ये ये प्रोडक्ट है स्टार एजेंट स्टार रूबी डायमंड डबल डायमंड क्राउन डायमंड क्राउन एंबेसडर ये कौन तैयार करता है कौन तैयार करता है फैक्ट्री कहां है फैक्ट्री कहां है अगर ये प्रोडक्ट अच्छा निकला उसकी जिम्मेदारी कौन है अगर ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला इसकी जिम्मेदारी कौन है बिकॉज ये प्रोडक्ट हम नहीं तैयार करते हैं ये प्रोडक्ट आप लोग तैयार करते हो आपका ट्रेनिंग से आपका मोटिवेशन से आपका मेहनत से आपकी लगन से आपका प्यार से आपकी दाट से जैसा भी हो आप ये प्रोडक्ट तैयार करते हो ये जो प्रोडक्ट बाहर आता है स्टार एजेंट बाहर आता है स्टार रूबी बाहर आता है डायमंड बाहर आता है आकर डायमंड डायमंड जैसा काम करता है तो किसका नाम ऊंचा होगा इसने तैयार किसने किया वो लीडर ने किया फैंटास्टिक जब डायमंड बाहर आ जाता है खाली डब्बा है अंदर कुछ भी नहीं है तो मार्केट पूछेगा ये डायमंड किसने तैयार किया फलाना फैक्ट्री ने तैयार किया इसकी जिम्मेदारी कि इस किसको जाएगा जिसने तैयार किया वो प्रोडक्ट को इसीलिए डियर फ्रेंड्स आप सिर्फ कंपनी का जिम्मेदारी नहीं है प्रोडक्ट तैयार करना आपका भी जिम्मेदारी बनता है प्रोडक्ट तैयार करना याद रख लो <प्राँगा> कल से मुझे कोई पूछेगा सर ये प्रोडक्ट में लीकेज है भी पूछूंगा तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है बताओ तुम्हारा स्टार एजेंट कैसा है जैसा काम करना चाहिए वैसा काम करता है जैसा रूबी काम करना चाहिए वैसा काम करता है जैसा डायमंड काम करना चाहिए वैसा काम करता है अगर नहीं करता है फैक्ट्री को बंद मत करो ये फैक्ट्री को सुधारो जब तक हम फैक्ट्री को नहीं सुधारेंगे जब तक हम वो जगह में नहीं सोचेंगे ये फैक्ट्री को मुझे सुधारना चाहिए साल बीत जाएगा दो साल तीन साल चार साल बीत जाएगा क्राउन डायमंड पैदा होगा क्राउन एम्बेसडर पैदा होगा बट बोनस नहीं रहेगा प्रोडक्ट में दम नहीं रहेगा प्रोडक्ट कमजोर रहेगा सो so इसीलिए आज से हम कोशिश करेंगे जो भी प्रोडक्ट मेरा फैक्ट्री से तैयार होगा वो एक दमदार प्रोडक्ट तैयार होगा यस yeah. yes. ये कैसा तैयार करना है और ये कमजोर प्रोडक्ट क्यों तैयार होता है ये भी मैंने थोड़ा स्टडी किया ये स्टार एजेंट आने के बाद कुछ भी नहीं करता है क्यों इतना कमजोर वो फैक्ट्री से क्यों आता है और ये फैक्ट्री को कैसा सुधारना है ये फैक्ट्री को सुधारना भी इजी है इतना बड़ा मुश्किल नहीं है जैसे आपका फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटर आता है आप स्पॉन्सर करते हो डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो इतना मुश्किल नहीं है वो प्रोडक्ट को जबरदस्त प्रोडक्ट बनाना आसान काम है कैसा करना है नाउ लेट अस सी सी आपका प्रोडक्ट का रॉ मेटीरियल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएक्सन प्रोडक्ट आपका फैक्ट्री ऐसे ही काम करता है इनपुट है डीएक्सन का प्रोडक्ट यहां पे प्रोसेस होता है तैयारी होता है यहां पे तैयारी होने के बाद आउटपुट क्या आता है एजेंट लीडर डूबी डायमंड क्राउन डायमंड ये तैयार यहां पे होता है सो so ये जो है ये प्रोसेस में यहां पे फिकर करके कोई फायदा नहीं है स्टार एजन काम नहीं करता है मेरा रू भी काम नहीं करता है इसके लिए परेशान होना दो दिन रोना ये सब फायदा मंद का कुछ भी होने वाला नहीं है क्यों ऐसा होता है वो प्रोडक्ट सेम है बिहार में भी वो प्रोडक्ट डालता है वहां पे। जब डायमंड निकालता है दो लाख कमाता है सेम इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं इंग्रेडिएंट वहां पे दूसरा है सेम इंग्रेडिएंट वहां भी डालता है और कुछ स्टेट में ये इंग्रेडिएंट डालता है डायमंड निकालता है वो तीन हजार भी नहीं करता है तो प्रॉब्लम कहां पे है वहां पे तो नहीं है प्रॉब्लम कहां पे है ये प्रोसेस ये प्रोडक्ट आने का बाद ये टीम का अंदर क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको डिसाइड करेगा ये आउटपुट कैसा निकलेगा ये करवाने के लिए व्हाट इट नीड इज ए सिस्टम एजुकेशन एंड डुप्लीकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिस्टम को डालना प्रजीत सर ने एक सिस्टम सिखाया आप लोगों को वो सिस्टम का नाम है पीवी लिया क्या नाम है कैसा क्या सिस्टम है वो पीवी लिया।, पी लिया ये याद रख लेना चार का सिस्टम का नाम क्या है पीवी लिया इसका मतलब क्या है पैशन वी का मतलब विशन एल का मतलब लव आई का मतलब इंडिपेंडेंट और ए का मतलब एटीट्यूड तो सिस्टम का नाम क्या हुआ पीवी लिया ये सिस्टम यहां पे होना चाहिए ये जगह में होना चाहिए वो पैशन वो जुनून ये जगह में होना चाहिए वो एजुकेशन यह जगह में होना चाहिए एक डुप्लीकेशन ये एक जगह में होना चाहिए वो एक सिस्टम देन आपको जो प्रोडक्ट यहां पे आएगा वो एक ताकतदार प्रोडक्ट बनकर आएगा यह कभी कभी यह प्रोडक्ट कमजोर क्यों हो जाता है कमजोर होने का मेन कारण है स्टेटस परचेस रूबी बनने के लिए प्रोडक्ट लेकर रूबी बन गया रूबी आर्टिफिशियली स्टेटस को परचेस करना यह आउटपुट प्रोडक्ट को कमजोर कर देता है डायमंड बनना है चार स्टार एजेंट है दो स्टार एजेंट आप इन्वेस्ट करके बना दो तो डायमंड तो निकल जाएगा बट डायमंड में दम नहीं रहेगा प्रोडक्ट रहेगा प्रोडक्ट खाली रहेगा जैसे आरजीजीएल का डब्बा रहता है मैं बेचता हूं आरजीजीएल का डब्बा ले लो बट अंदर आरजीजीएल कैप्सूल ही नहीं है ये कैसा रहेगा ऐसे ही देखने में डायमंड रहेगा बट डायमंड का एक काम भी वो बंदा कर नहीं पाएगा बिकॉज वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हुआ है नंबर वन स्टेटस परचेस नंबर टू इलनेस का ऊपर फोकस जो बीमारियों का फोकस कर, कर बिजनेस बढ़ाना डायबिटीज का स्टार एजेंट बनाना कैंसर का रूबी बनाना पेट का दर्द का डायमंड बनाना ये सारी प्रोडक्ट काम नहीं करेगा ये याद रख लेना यह जो चीज है आपका फैक्ट्री को कमजोर कर देता है आपका आउटपुट को कमजोर कर देता है ऐसा नहीं है आप समय नहीं देते हो ऐसा नहीं है आप काम नहीं करते हो काम करते हैं समय देते हैं मेहनत देते हैं बट गलत जगह में दे देते हैं तो इस सुधारना वेरी इजी है सही जगह में अगर हम मेहनत करेंगे हमारा जो आउटपुट है वो सही आउटपुट हमें मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स ये जगह में ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है इसके लिए क्या करना है नंबर वन सिनर्जाइज विथ कंपनी थॉट यह जो बिजनेस है यह बिजनेस में दो बाग है एक है कंपनी और एक साइड है नेटवर्कर्स जब कंपनी जो भी काम करता है नेटवर्कर को ध्यान में रख के ही करता है अगर पांच हजार करना है तीन हजार करना है और टीएसएपी देना है, पी देना है प्रोमोशन देना है किसके में रखे करता है ये को क्या चाहिए यह डिस्ट्रीब्यूटर को मैं कैसे मजबूत बनाऊं? यह थॉट प्रोसेस रख के ही यह कंपनी काम करता है ऐसे ही जब भी नेटवर्कर काम करेंगे ना कंपनी का थॉट प्रोसेस को समझकर काम करना बहुत जरूरी है देन ओनली सिनर्जी शुरू होगा सिनर्जी का मतलब अगर एक प्रोडक्ट 60 परसेंट काम करता है और एक प्रोडक्ट 60 परसेंट काम करता है और दोनों प्रोडक्ट मिल गया तो कितना परसेंट काम करेगा 120 परसेंट नहीं 500 परसेंट काम करेगा इसे बोलते हैं सिनर्जी अलग अलग काम करने में ताकत अलग अलग रहता है बट दोनों ताकत मिल जाता है उसका आउटपुट बहुत ज्यादा आ जाता है So, इसीलिए जब हम काम करेंगे टीम का साथ काम करेंगे जैसा कंपनी नेटवर्क के बारे में सोचकर उनका प्लान बनाता है ऐसे ही नेटवर्क कंपनी का जो सोच क्या है उसको दिमाग में रखकर प्लान बनाना है कंपनी कभी भी ये नहीं बोलता स्टार डायमंड बनो स्टार डायमंड बनो कंपनी ये बोलता आपका वॉल्यूम को तगड़ा करो स्टार डायमंड ऑटोमेटिक बन जाएंगे तो कंपनी का जो सोच है उसका साथ मिलना बहुत बहुत जरूरी है नंबर टू क्रिएट ए सिस्टम जब आप बिजनेस करते हो कंपनी का साथ मिलकर एक सिस्टम तैयार करो हर एक व्यक्ति जो डीएक्शन में है आप डायमंड हो नया मेंबर हो या क्राउन एंबेसडर हो या क्राउन डायमंड हो विदाउट सिस्टम अगर हम काम करेंगे आपको फ्रीडम मिलने वाला नहीं है विथआउट सिस्टम का मतलब मैंने इनपुट दिया पता नहीं अंदर क्या हो रहा है कभी कभी एक स्टार एजेंट टपक लिया कभी कभी एक भी आ गया बिकॉज इसका अंदर मेरा कंट्रोल कुछ भी नहीं है पता ही नहीं चलता है कब स्टार एजेंट आएगा कब डायमंड आएगा जब आपका पास सिस्टम रहता है तो आपको पक्का पका रहता है दो महीने के बाद मेरा टीम में दस डायमंड पैदा होगा बिकॉज सिस्टम मेरा कंट्रोल में है मेरा पास वो सिस्टम है इस कारण में, में मेरा फैक्ट्री मेरा कंट्रोल में है अगर वो सिस्टम नहीं रहेगा कभी मैं लकी हो जाऊंगा एक स्टार एजेंट आ जाएगा कभी कभी लकी हो जाऊंगा कोई ना कोई डायमंड कहां से, से निकल जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा फिर लोग बोलेंगे तुम्हारा इसमें इतना डायमंड है मुझे भी पता नहीं सही इतना है कंट्रोल ही नहीं रहता है टीम का ऊपर मेरा इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स सिस्टम को अपनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मैं ऑलवेज बात करता हूं माइक्रो प्लान का ऊपर बड़े बड़े प्लान हमारी जरूरत नहीं है हमें चाहिए छोटे छोटे प्लान जो इजी प्लान जो मैं कर सकता हूं मेरा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है इसे हम बोलते हैं माइक्रो प्लान अगर बड़ा बड़ा प्लान लेंगे मैं कर सकता हूं अगर मेरा नया डिस्ट्रीब्यूटर वो कर नहीं पाएगा वो प्लान का कोई फायदा नहीं होगा आपका प्लान ऐसा होना चाहिए पहले सोच ऐसा होना चाहिए जो प्लान जो सिस्टम में बनाता हूं मेरा नया डिस्ट्रीब्यूटर इसे कर सकता है या नहीं कर सकता है अगर उसके लिए मुश्किल है तो वो प्लान का कोई फायदा नहीं है तो इसीलिए वी हैव टू टॉक अबाउट माइक्रो प्लान छोटे छोटे प्लान को डुप्लीकेट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर वन प्लान आई ऑलवेज टॉक अबाउट सिस्टम फॉर सर्वाइवल ये एक प्लान होना चाहिए आपका बिजनेस में सर्वाइवल का प्लान सर्वाइवल का मतलब क्या है जिंदा रहने का प्लान किसे जिंदा रखना है जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है उसे जिंदा रखना वो जीरो जीरो पीवी करता है मतलब वो जिंदा नहीं है नाउ द क्वेश्चन इज वो जिंदा क्यों नहीं है उसने आधार कार्ड दिया फोटो दिया साइन किया सब कुछ किया मरने के लिए तो नहीं किया सही है ना जीरो करने के लिए तो नहीं किया उसका अंदर भी खाइश था हाँ, मुझे भी कुछ करना है मुझे भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है वो शुरुआत में उसका अंदर भी वो एक ऊर्जा था डीएक्शन में सक्सेस होने के लिए बट कुछ दिन का बाद क्या होता है वो मजबूर हो जाता है डीएक्शन का बिजनेस वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है फॉर वेरियस रीजन इसमें नंबर वन रीजन है एक नया डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाता है अगर ये रीजन को हम आइडेंटिफाई करना यह रीजन को समाधान देना हर एक अपलाइन का काम है अगर अपलाइन यह काम नहीं करेगा वो बच्चा पैदा करता ही जाएगा करता ही जाएगा करता ही जाएगा करता ही जाएगा पलट कर देखेगा पूरा खबरस्तान ही रहेगा यह एक भी बचेगा नहीं बाप का काम यह नहीं है सिर्फ बच्चा पैदा करना ये याद रख लेना सारे लोग यहां पे बाप है मां है हमारा काम ये नहीं है सिर्फ बच्चा पैदा करो पैदा करो पैदा कितना बच्चा है सौ बच्चा है पैदा करो पैदा करो कितना मर गया सौ मर गया फिर बच्चा चालू ऐसा बाप अच्छा बाप है खराब बाप है मैं ही नहीं बोलता ये जो मेंबर को मैं पैदा करता हूं डिस्ट्रीब्यूटर को मैं पैदा करता हूं करता हूं करता हूं करता हूं करता हूं, करता हूं। फिर देखता हूं ये एक भी डिस्ट्रीब्यूटर बचता नहीं कहीं ना कहीं एक बच जाता है बिकॉज ऑफ किसी ने दुआ किया एक बच गया और मेरा पास सिस्टम ही नहीं है इसे कैसा बचा कर रखू और ये क्यों मरता है पहले ये दिमाग में लेना बहुत इंपॉर्टेंट ये क्यों मरा और मैं बच्चा और पैदा करूंगा वो उसे मैं कैसे जिंदा रखूं इसके लिए एक सिस्टम आना बहुत बहुत जरूरी है इसे हम बोलते हैं सिस्टम फॉर सर्वाइवल यह सिस्टम फॉर सर्वाइवल के लिए आई ऑलवेज टॉक अबाउट इस कैश फ्लो जो बिजनेस में कैश फ्लो नहीं है वो बिजनेस आज या कल पक्का मरेगा ये याद रखना नॉट ओनली डीएक्स एन बिजनेस एनी बिजनेस यू टॉक अबाउट जो भी बिजनेस आप दुनिया में करेंगे वो बिजनेस में अगर कैश फ्लो नहीं है पैसा आने का रास्ता नहीं है तो वो बिजनेस कुछ ना कुछ दिन ठिक पाएगा मोटिवेशन से और एक दिन ना एक दिन वो पक्का मरेगा ही मरेगा सो so, कैश फ्लो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर को मैं बनाता हूं अगर उसका बिजनेस में कैश फ्लो पैसा आने का रास्ता वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देखता है तो वो क्या करेगा पहला महीना तीन हजार पॉकेट से खरीदेगा एक हजार के लिए दोवा महीना तीन हजार लेगा तीनवा महीना किराया देना है आरजीजीएल खरीदना है वो क्या करेगा किराया ही देगा अदरवाइज घर से निकाल देंगे पीवी तो हम बाद में करेंगे तो क्या होगा वो महीना पीवी नहीं होता है अगले महीना बच्चे के फीस देना है या पीवी करना है जितना भी मोटिवेट कर लो वो बच्चे का फीस ही देगा पीवी नहीं करेगा पैसा आने का रास्ता नहीं है जब तक यह प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं करेंगे जब तक इसके लिए एक सिस्टम को नहीं अपनाएंगे हमारा फैक्ट्री में हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही प्रोडक्ट निकलने वाला नहीं है सो इसका ये की उपाय है कैश फ्लो ये बिजनेस का अंदर पैसा ले आने का एक रास्ता वो आना बहुत जरूरी है पैसा कौन देगा मेरा अपलाइन मुझे पैसा देगा सिर्फ एडवाइस देता है पैसा नहीं देता है डाउनलाइन देता है पैसा वो मुझसे मांगता है कंपनी पैसा देता है ऑफिस जाने में एक चाय भी नहीं पिलाता है वो क्या देगा तो ये पैसा कौन देगा हर एक बिजनेस में पैसा आने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आपको पैसा ले आने के लिए हम बोलते हैं कुछ फरिश्ते हैं जो फरिश्ते वो बिजनेस में रहेगा वो बिजनेस ठीकेगा अगर वो फरिश्ता नहीं रहेगा वो बिजनेस नहीं टिकेगा वो फरिश्ते का नाम है कंस्यूमर्स ये ये जो बिजनेस है स्टार एजेंट का रूबी का स्टॉक का खेल नहीं है ये सारी बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पूरा गेम कहां पे रहता है कंस्यूमर में रहता है मेरा टीम में कितना कंस्यूमर सर्व होता है मेरा पास हंड्रेड डिस्ट्रीब्यूटर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये हंड्रेड डिस्ट्रीब्यूटर का पास अगर दो हजार कंस्यूमर है तो मेरा बिजनेस खड़ेगा तो मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर मेरा काम ही क्या है मेरा काम क्या है सी बेसिक में आ जाओ जब डीएक्स में ज्वाइन करते हो कंपनी आपको एक स्टेटस देता है क्या स्टेटस डिस्ट्रीब्यूटर तो काम क्या है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट दिस्ट्रिट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम क्या करते हैं ज्वाइन कर लेते हैं दूसरों को ज्वाइन कराते हैं और उनको ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं और बीच में एक था मेरा पहचानियत वो था डिस्ट्रीब्यूशन वो मैं भूल गया बाकी सारी डांस मैंने कर लिया जो मेन डांस है डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं कर पा रहा हूं तो अभी गलती किसका है जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है उसका ही गलती है इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका बिजनेस में एक की रोल होना चाहिए डीएक्शन इतने सारे प्रोडक्ट किस लिए ले आता है सिर्फ आपको खिलाने के लिए नहीं है आप खाने का बाद आप खाते हो आप क्या बनते हो आप ये प्रोडक्ट लेके खाते हो आपका नाम क्या होता है क्या होता है कंज्यूमर बट डी ने आपको कंज्यूमर करके बुलाया <laughs> आपने साइन किया ना फॉर्म वो कंस्यूमर अग्रीमेंट नहीं है वो डिस्ट्रीब्यूटर अग्रीमेंट है जो आपने एक बिजनेस शुरू किया है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सीना तान के बोलता हूं मैं 2000 पीवी कंज्यूम करता हूं तो क्या हुआ कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये बताओ तुम्हारा असली काम वहां पे है जब तक डिस्ट्रीब्यूशन का ऊपर फोकस नहीं जाता है तब तक वो फैक्ट्री का प्रोडक्ट सही नहीं निकलेगा माय डियर फ्रेंड्स याद रखना ये एक बिजनेस का मूल कॉन्सेप्ट है इसे समझो ये जो कंज्यूमर ये जो फरिश्ते हैं, इसीलिए मैं कभी भी बोलता हूं जब भी डिस्ट्रीब्यूटर आता है उसे सिखाओ एटलीस्ट तीन महीने में बीस कंज्यूमर करने के लिए कितना कंज्यूमर बीस कंज्यूमर एक बंदा आता है पहले उसे पूछो भाई तू बिजनेस करना चाहता है चाहता हाँ, हूं पहले तू ये कमिट कर कितना प्रोडक्ट तू कंज्यूम कर सकता है वो बोलेगा मैं मैं भी 500 का प्रोडक्ट खरीद सकता हूं हर महीना ठीक है और तेरा फैमिली कितना प्रोडक्ट खा सकता है मेरा फैमिली मे बी एक हजार प्रोडक्ट खा सकता है चाय स्पाइरोना हो गया शैंपू हो गया हल्दी हो गया आने वाला तेल हो गया एक हजार मेरा फैमिली खरीदेगा पांच सौ में खरीदूंगा अच्छा थर्ड कमिटमेंट ए मुझे बता अगले तीन महीने में कितना कंज्यूमर तू बना पाएगा इसमें ही तेरा बिजनेस टिकता है उससे कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है पहले ही लेना जरूरी है आप बताओ आप मत बोलो आप बीस करो तीस करो चालीस करो उससे बोलने दो चाय का कंस्यूमर सूप सोबन का कंस्यूमर टूथपेस्ट का कंस्यूमर कितना कंस्यूमर आप बना पाओगे बिकॉज ये बिजनेस है लाखों लाखों कमाना का सपना है ये बताओ आपका रोल क्या रहेगा इसे डिस्ट्रीब्यूट करने में बिकॉज जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन उतना बड़ा बोनस आप एक लाख का जो ड्रीम करते हो ये बताओ कितना डिस्ट्रीब्यूट आप करोगे ओ, आ, तीन महीने में मैं एक बीस हजार या तीस हजार या दस हजार कर सकता हूं तीन महीने में मैं भी एक कंज्यूमर पंद्रह कंज्यूमर में ले आ सकता हूं वो लिख लो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जब भी आता है उसे लिख लो ये क्वेश्चन जरूर पूछना लिख लो अच्छा तू कमिट करता है मैं कमिट नहीं करता हूं तू आप कमिट करते हो तीन महीने में आप पंद्रह कंज्यूमर या दस कंज्यूमर कर सकते हो फैंटास्टिक आपका बिजनेस यहां से सक्सेसफुल शुरू होता है ये कमिटमेंट लेना जरूरी है अगर ये कमिटमेंट नहीं लेंगे तो क्या करेगा इमीडिएटली जाकर कैसा ना किसी को पकड़ के स्पॉन्सर करना शुरू कर देगा और खुद का अंदर एक लीडर का बाप शुरू हो जाएगा मैंने स्पॉन्सर कर दिया स्पॉन्सर कर दिया वो कैसा स्पॉन्सर करा उसको पता है किसी को दमका के गिल गिला के उसका ससरे का पास बोलता है मेंबर हो जा तेरा बेटी मेरा घर में है वो बेचारा वो बेचारा बेटी का फ्यूचर खोजकर मेंबर बन जाता है ये खुश हो जाता है एक मेंबर बन गया देखो एक ही दिन में एक मेंबर बन गया क्या हुआ फायदा क्या है फायदा क्या है आपने डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया ये आधार कार्ड का मेंबर है ये आधार कार्ड का मेंबर का फायदा क्या है सो माय डियर फ्रेंड्स ये जो सिस्टम तीन महीने में बीस कंज्यूमर यू अग्री विथ मी इसे अपनाओ हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का साथ बैठो उससे कमिटमेंट लो आप पहले कमिट हो जाओ मेरा डिस्ट्रीब्यूशन मेरा कंज्यूमर लिस्ट देखो ये जब तक ये नहीं बताएंगे वो बंदा नहीं करेगा बिकॉज़ आपका पास ही कंज्यूमर लिस्ट नहीं है यहां से शुरू करो ये सिस्टम को अपनाओ सो दैट यू कैन हैव एंड हैव सीड स्टॉक हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का घर में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रखवाओ बिकॉज जब प्रोडक्ट रखेंगे प्रोडक्ट बिखेगा याद रखना प्रोडक्ट रखेंगे प्रोडक्ट बिखेगा सिर्फ फोटो में प्रोडक्ट बिकता नहीं यू नो मोबाइल में आरजीजीएल टूथपेस्ट ऐसा नहीं बिकता यू नो चेन्नई में यू नो चुहा चुहा रहता है रैट ये रैट को पकड़ने एक बॉक्स रखते हैं हम ने? वो बॉक्स में रखने में चूहा ऑटोमेटिक बॉक्स के अंदर घुस जाएगा क्या रखते हैं हम अंदर हम वहां पे रखते हैं सुखी मच्छी यू नो ड्राई फिश ड्राई फिश वहां पे रखते हैं उसका स्मेल स्ट्रांग हो जाता है रात में वो चूहा आता है वो ड्राई फिश को खाता है डब्बा पट चूहा अंदर ऐसे ही चूहा पकड़ते मेरा एक दोस्त था इंटेलिजेंट था उसने थोड़ा उसका जुगाड़ यूज किया उसने बोला सी चूहा को क्या पता है वो सही सुखी मच्छी या फोटो का सुखी मच्छी मैं फोटो अटकाऊंगा <laughs> उसने क्या किया वो डब्बा का अंदर सुखी मच्छी का सुखी मच्छी जैसा ही दिखता है नो थ्री डी का एक फोटो ब्यूटीफुली कट किया वहां पे अटकाया कट करने के बाद एक दिन हुआ चूहा नहीं आया दो दिन हुआ चूहा नहीं आया तीन दिन मैंने बोला भाई तू मर जाएगा चूहा नहीं आएगा बिकॉज फोटो में चूआ अटकता रियल प्रोडक्ट चाहिए ये फोटो में कंस्यूमर नहीं बनता है रियल प्रोडक्ट चाहिए इसीलिए घर में प्रोडक्ट रखना बहुत बहुत जरूरी है जो सीड स्टॉक के बारे में हम जो बात करते हैं ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका बिजनेस को बहुत सिंपल स्टेप है ये तो सिंपल सिंपल बोल बोल के मैं थक जाऊंगी ये इतना सिंपल स्टेप्स है बट लोग बड़े बड़े चीज कर लेते हैं चार हजार दे के कैंप में आ जाते हैं दस हजार दे के मलेशिया जाने के लिए तैयार हो जाते हैं सीट स्टॉक नहीं है यू you नो know, छोटे छोटे काम करने में लोगों को तकलीफ है बड़े बड़े काम कर लेते हैं सो माई डियर फ्रेंड्स स्मॉल चीज स्मॉल थिंग्स विल चेंज योअर लाइफ सिनरजाइज टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी पहला माइक्रो प्लान था क्या माइक्रो प्लान है कैश फ्लो क्रिएट करना समझ में आ रहा है yes. ये कैश फ्लो क्रिएट करना 20 कंज्यूमर का जो प्लान है वो आपका फैक्ट्री में होना चाहिए हर एक व्यक्ति आपका प्रोडक्टिविटी अच्छा रहेगा सेकेंड थिंग इज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी माइक्रो एंट्रप्रनर कॉन्सेंट्रेट ऑन द पीजीपीवी हर एक व्यक्ति का पीजीपीवी का ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो उसे मत बोलो एक लाख पीवी करो दो लाख पीवी करो वो आराम से पिसल के निकल जाएगा मेरा टीम काम नहीं करता है मैं कैसा करूं आप भी मान लेते हो हाँ सही है इसका टीम में काम नहीं होता है तो इसीलिए ऐसे जिम्मेदारी उसका ऊपर देना जो जिम्मेदारी का हंड्रेड परसेंट वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अभी ये नहीं बोलता है पीजीपीवी करने में मेरा रू भी काम नहीं करता है अच्छा रू भी काम नहीं करता है मान लेता हूं तू तो काम करता है ना तेरा पीजीपीवी क्या है ये बता तेरा पीजीपीवी बीस हजार होगा कब ये बता मुझे वहां तक आप आपका काम क्या चलता है तो हर एक स्टार जब बनता है जब नया मेंबर बनता है पीजीपीवी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर मार्केटिंग प्लान में अगर हम देखेंगे पीजीपीवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ओके अभी मैं कैलकुलेशन के जाऊं और टाइम लग जाएगा तो इसीलिए हम दूसरे दिन देखेंगे पीजीपीवी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे एटलीस्ट एक बीस हजार पीजीपीवी करने का सिस्टम आपका टीम लेकर आओ हर एक स्टार एजेंट को पकड़ो पहले एक मीटिंग करवाओ भाई पहले आपका स्टेटस क्या है पीजीपीवी कितना होता है कुछ लोग बोलेगा तीन हजार कुछ लोग बोलेगा चार हजार पांच हजार वॉट एवर इट इज फैंटेस्टिक सेकेंड स्टेप है उसे टारगेट दो अगले तीन महीने में नया एक प्रोग्राम कराएंगे आपका एक ही टारगेट है बीस हजार करना दो लाख पीवी करना दस लाख पीवी करने का नहीं सिर्फ आपका पीजीपीवी को बीस हजार बनाओ देन वो जो क्वालिफायर है उनका साथ अगले प्रोग्राम होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका कंधे में रखो सारे टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका ऊपर मत रखो सिर्फ वो जो क्या कर सकता है सिर्फ वो रेस्पॉन्सिबिलिटी रखो तो वो, वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी वो आराम से ले सकता है माई डियर फ्रेंड्स डोंट कैरी लाइबिलिटीज पीपुल आर नॉट असट्स ओनली गुड पीपुल आर असट यू रिमेंबर दिस वन टीम में ऐसे ही लोग आपका पास है आप उम्मीद करके बैठे हो वो धीरे धीरे करेगा 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 वो कभी भी नहीं करेगा वो अब एक साल हो गया फिर भी पूछो वो बोलेगा ये, ये महीना छोड़ दो अगले महीने से मैं शुरू करता हूं अगले महीने जाओ वो बोलेगा ये महीना दादी का तबियत बराबर नहीं है अगले महीने से शुरू फिर भी जाओ जो तबियत बराबर नहीं था मेरा दादी वो मर गई है अगले महीने से शुरू कोई ना कोई ना कारण उसका साथ रहता है ये एक बार दो बार ट्राई करो जहां से दूध नहीं निकलता है वो गाय को पालो मत छोड़ दो उसे रखकर कोई फायदा नहीं।, नहीं है वो बैल बन चुका है <laughs> वहां से आप जैसा भी कर लो दूध निकलने वाला नहीं, नहीं है गाय कौन है बैल कौन है पहचानो ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स सारी टीम को लेकर जाना ले कुछ कुछ टीम ऐसे रहता है जैसा भी कर लो वो आने वाला नहीं है उससे छोड़ो नया स्पॉन्सरिंग करो नया स्पॉन्सरिंग करो माइक्रो प्लान उससे स्टार्ट करो उससे प्लान दो पचास हजार ये मेरा जिम्मेदारी है बट तेरा जिम्मेदारी है तीन महीने में बीस कंज्यूमर यह मुझे करके दिखा पचास हजार एक साल में मैं तुझे दिखाता हूं यह मेरा गारंटी है यू गो ऑन द डोना आप भी उसे गारंटी दो गारंटी उससे भी लो व गुड पीपल विथ यू गुड पीपुल वर्क अरऑन मैनिफेस्टेशन ऑफ यूर प्लान आपका जो प्लान है उसे मैनिफेस्ट करो उसके बारे में सोचो जब आप बिजनेस के बारे में सोचेंगे हर तरह आपको बिजनेस ही नजर आएगा हर जगह आपको बिजनेस ही नजर आएगा यह जब आएगा पैशन वेन यू हैव पैशन आपका पास पैशन रहता है जब यह मैनिफेस्टेशन होता है लास्ट टाइम टीएसआई हुआ था पाण्डिचेरी में प्रवीण सर भी थे पाण्डिचेरी का बीच में मैं प्रवीण सर बीच में जा रहे थे एक लड़की थी सुंदर थी मैंने वो लड़की को देखा फिर सोचा शादीशुदा हूं मैंने नजर हटा दिया बट ये बंदा ने देखता देखता ही रह गया मैंने बोला प्रवीण सर इतना घोर घोर के क्या देखती हो वो लड़की को उसने बोला सर मैं वो लड़की को नहीं देखता हूं वो देखो उसका फेस में पिंपल्स है तो मेरा नीम चलेगा उसका बाल अभी स्ट्रांग नहीं है मेरा तैलम उसका पास जाएगा मेरा टूथपेस्ट का कंस्यूमर है मेरा साबुन उनका कंस्यूमर है मैं लड़की को नहीं देखता हूं मैं एक मार्केट को देखता हूं मैं पीवी को देखता हूं बिकॉज मैनिफेस्टेशन जब आपका दिमाग में बिजनेस ही बिजनेस रहता है ना सारी जगह बिजनेस ही बिजनेस दिखेगा दिस वन वॉट वी कॉल रेड कार एक थियरी रहता है साइकोलॉजी में रेड कार थियरी से फॉर एग्जाम्पल नाउ ये हॉल में कितने लोग सफर करके यहां तक आ गए? आपने कितने रेड कार देखा रस्ते में कितना रेड कार देखा आपने देखा या नहीं देखा नहीं देखा एक भी नहीं देखा कार देखा रेड कार देखा देख के होंगे बट आपका याद में नहीं है अब मैं बोलता हूं नेक्स्ट मीटिंग में जब आएंगे हर एक रेड कार आप देखेंगे उसका गिनती मुझे बताना हर कार के लिए मैं 500 रुपए देता हूं तो हम रास्ता को नहीं देखेंगे सिर्फ रेड कार का वन टू थ्री फोर फाइव हाँ मुझे दस मिल गया पंद्रह मिल गया बीस मिल गया होगा या नहीं होगा होगा नहीं होगा जरूर होगा क्यों होगा बिकॉज फोकस था सारी रेड ही रेड नजर आया बिकॉज उसका पीछे एक इंस्पिरेशन था उसके पीछे एक मोटिवेशन था ये मोटिवेशन ये गोल होना चाहिए आपका बिजनेस में तो बॉम्बे पूरा पीवी पीवी नजर आएगा मार्केट ही मार्केट नजर आएगा हर एक बंदा आपको क्राउन एंबेसिडर ही दिखेगा दिस इज वॉट वी कॉल मैनिफेस्टेशन ये रेड कार थे याद रखना ये साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप फोकस करते हो वो जे चीज आपको दिखता है कैसे ना कहीं यूनिवर्सल आपको मदद करता है वो चीज को दिखाने में आप जाते हो दुनते हो डिस्ट्रीब्यूटर को पहचानना डिस्ट्रीब्यूटर को देखना तो एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाएगा अगर आप जाते हो इससे बात क्या करो मुझे कोई पहचानता नहीं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा नहीं ना नहीं मिलेगा आप जा सोचते हो That is what we इज manifestation. वी yeah, manifestation मैनिफेस्टेशन ये important बहुत बहुत dear है Write your journal. ये है एक छोटा सा एक activity. आपको सबको करना है आपका घर में जाके आपके लिए एक journal होना चाहिए एक notebook होना चाहिए जहां पर you write your goal. डीएक्शन से आप क्या पाना चाहते हो छोटा चीज हो या बड़ा चीज हो एक साल में पांच साल में दस साल में लिखो आपका पास वो नहीं है बट फिर भी आप लिखना शुरू करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका गोल क्या है आपका वाइफ का गोल क्या है आपका बच्चों लोगों का गोल क्या है ये गोल के बारे में लिखो सेकेंड थिंग यू राइट योर एक्टिविटी बुक आज मैंने डीएक्शन के लिए क्या किया हर दिन रात में ये नोटबुक में लिखना जरूरी है ऐसा एक नोटबुक रहेगा ना रात में जाके मैं लिखूंगा आज मैं डीएक्शन के क्या किया कुछ भी नहीं किया वहां पे लिख देना कुछ भी नहीं किया प्रॉब्लम नहीं नेक्स्ट डे फिर भी आज क्या किया कुछ भी नहीं किया लिख देना कुछ भी नहीं किया थर्ड डे क्या किया कुछ भी नहीं किया फोर्थ डे आपका दिमाग सोचने लगेगा एवरी डे कुछ भी नहीं किया ये कैसा होगा तो पांचवां दिन आप कोशिश करेंगे एक प्रोडक्ट बेचने के लिए क्योंकि आपको लिखना है वहां पे बिकॉज यहां पे कोई बॉस नहीं है आप खुद का बॉस हो सही है ना सो so, पांचवां दिन आप लिखेंगे एक साबुन बेचने के लिए कोशिश किया बिखा नहीं कोशिश किया बस फोर्थ डे एक साबुन बिक गया सेवंथ डे प्रॉस्पेक्ट करने के लिए बात किया टेंथ डे एक मेंबर बना मैंने सेमिनार अटेंड किया तो आपका एक्टिविटी बुक लिखते हैं ना तो आपको पता चलता है आपका ताकत क्या है अदर ना आप कंफर्टेबल हो जाते हो बहुत काम करता हूं बहुत काम करता हूं वही बोलता हूं क्या काम करे लिखो <laughs> वहां पे तो लिखने के लिए कुछ नहीं है बट दिमाग सोचता है बहुत काम करता हूं वही बोलता हूं तो लिखना भाई क्या किया लिख बहुत बहुत बोलता है क्या बहुत है मैं भी देखता हूं लिख तो अगर ये लिखना शुरू हो जाएगा वो बहुत बहुत नहीं रहेगा वो कम से कम ही रहेगा वो वो जो हमारा है, वो हमारा है नजर से हट जाएगा सो डियर फ्रेंड्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट योर एक्टिविटी बुक थर्ड थिंग इज लर्न समथिंग न्यू हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखो नया पढ़ो वो भी लिखो आपका जर्नल में लिखना जरूरी है आज मैंने एक पेज पढ़ा आज मैंने दो पेज पढ़ा आज मैंने एक वीडियो सुना आज मैंने एक ऑडियो सुना गाना सुना ये नहीं लिखने का जो डीएक्शन के लिए जो काम करता है वो क्या किया वो लिखो एंड लास्ट थिंग इज ग्रैटिट्यूड ये प्रैक्टिस करो जो दुखी आत्मा है ना इंसान बाई डिफॉल्ट दुख का इंसान है वो दुखी रहता है उतना जल्दी उसे खुश नजर नहीं आता है अगर आपको खुश रहना है जैसा भी हो आपका सिचुएशन आई डोंट नो बट आपको खुश रहना है ग्रैटिट्यूड थैंक यू नोट लिखो यू शुड राइट थैंक यू गॉड मैं लिख सकता हूं इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूं थैंक यू गॉड मैं देख सकता हूं थैंक यू गॉड मैं चल सकता हूं थैंक यू गॉड मेरा पास बच्चे हैं। थैंक यू गॉड मेरा पास मां बाप है थैंक यू गॉड एटलीस्ट फैन तो है थैंक यू गॉड तकिया है मेरा पिल्लो है थैंक यू गॉड दाल तो आज रात मैंने खाया ये जो हर दिन आपको जो मिलता है उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते लिखते रहो आपका अंदर एक हैप्पीनेस तैयार होगा जो आपका पास सब कुछ है अदरवाइज ये इंसान जो है यही लेकर फिक्र करता है उसने गाड़ी ले लिया मैंने नहीं लिया उसका पास घर है मेरा पास नहीं है उसने पिज्जा खाया मैंने नहीं खाया इसे लेकर फिक्र रहता है बिकॉज वहां पे देखते ये ग्रैटिट्यूड एक मैजिक है माय डियर फ्रेंड्स लीडरशिप में हम सिखाते हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में ये एक मैजिक है ग्रैटिट्यूड यू थैंक एवरीबडी जब थैंक यू का सिलसिला शुरू हो जाएगा यू कैन डू वंडर्स ये जर्नल ये चार चीज आपका जर्नल में होना चाहिए क्या हम कोशिश कर सकते हैं yes. आपका टीम को भी यही सिखाओ सिर्फ चार चीज इट विल मेक यू अ बेटर पर्सन डीएक्शन का साथ साथ आपको एक बेहतरीन इंसान भी ये चीज आपके लिए बनाएगा एट लास्ट बी ए रोल मॉडल फॉर योर टीम जो टीम आपका टीम जो करना चाहता है वो पहले आप करो जो टीम आपका टीम जो करना चाहता है पहले आप उसे करना शुरू करो मेडिटेट सुनिया प्रैक्टिस डॉक्टर लिमका एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपलेस्ट टेक्निक है जो मेडिटेट करना दिन में कुछ ना कुछ दिन एक दस मिनट निकाल लो घर में आराम से बैठो कुछ नहीं करने का मोबाइल को साइलेंट में दो और बीवी को ऑफ कर दो और साइलेंट में बैठ जाओ माने नो 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 मोबाइल को ऑफ कर दो ये ये रम, रमन जी से बात करके करके ऐसा शब्द आ जाता है ना you टीवी know? को ऑफ कर दो बीवी को नहीं हाँ <laughs> बीवी को भी ऑफ कर दो मेडिटेशन करना है ठीक है बैठ जाओ मिनट ओके सांस अंदर जाएगा बाहर आएगा कुछ भी नहीं करना है ऑटोमेटिक जाएगा आएगा ठीक है आपको क्या करना है उल्टी गिनती करना है जब अंदर जाता है बाहर आता है गिन लो नाइन बाहर जाता है अंदर जाता है बाहर आता है गिन लो एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ऐसा दो तीन बार कर लो दस मिनट में कितना बार हो सके ऐसा कर लो अदरवाइज थर्टी टू वन कर लो अदरवाइज हंड्रेड टू वन कर लो इट विल हेल्प टू रीसेट योर माइंड आपका इमोशन को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करेगा मेडिटेशन डॉक्टर लिम का एक प्रूवन टेक्निक है आप प्रैक्टिस करो आप घर में जितने भी आपका फ्रेंड्स है बच्चे हैं उनको भी सिखाओ कहीं भी आप कर सकते हैं एक आराम से कर सकते हैं आपका माइंड को कंट्रोल में ले आने के लिए माय डियर फ्रेंड्स एट लास्ट डिसीजन आपका सारा बिजनेस इसमें ही टिकता है डिसीशन आपका डिसीशन डीएक्शन में डीएक्शन करने में मजबूत होना बहुत बहुत जरूरी है सब लोगों ने यहां पे डीएक्शन करने में डिसीशन लिया लिया नहीं लिया yeah. सब लोग लिया ना? बट आपका टीम में सारे लोग ने डिसीशन लेकर ही साइन किया बट सारे लोग अभी है आपका पास उनका डिसीशन सही नहीं था ये डिसीशन जो है ना इट इज लाइक ए मैरिज जब मैं मेरा वाइफ को मैरी करता हूं जब मेरा शादी होता है जब वहां पे एक मैं डिसीशन लेता हूं मैं तेरा साथ रहूंगा मरते तक तेरा साथ रहूंगा अच्छे दिन आएगा फिर भी तेरा साथ रहूंगा खराब दिन आएगा फिर भी तेरा साथ रहूंगा गालियां गलोज होगी फिर भी तेरा साथ रहूंगा मारपीट होगी फिर भी तेरा साथ ही रहूंगा आज मेरा शादी खड़ा हुआ है सिर्फ ओ कारण से सिर्फ मेरा नहीं सबका बिकॉज ऐसा कोई है झगड़ा नहीं हुआ सबका घर में हुआ है झगड़ा हुआ आपने आपका बीवी को या मर्द को छोड़ दिया क्यों नहीं छोड़ा बिकॉज डिसीशन सही था स्ट्रांग था जैसा भी है तेरा साथ ही रहूंगा ऐसा डिसीशन होना चाहिए डीएक्शन का साथ अच्छे दिन आएगा फिर भी तेरा साथ ही रहूंगा मेरा पीवी बढ़ेगा तेरा साथ ही रहूंगा पीवी घटेगा तेरा साथ ही रहूंगा मेरा साथ देगा तेरा साथ ही रहूंगा अपलाइन मेरा साथ नहीं देगा तेरा साथ ही रहूंगा मैनेजमेंट मेरा साथ देगा तेरा साथ ही रहूंगा मैनेजमेंट मेरा साथ नहीं देगा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा यह डिसीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बट कभी कभी क्या होता है अपलाइन का साथ झगड़ा होता है बी को छोड़ देते <laughs> ऐसा होता है, नहीं होता अपलाइन का मैं क्या बोल रहा हूं भाई तेरा ससरा का साथ शादी लड़ाई झगड़ा हुआ तो ससरा कुछ छोड़ दे बीवी को क्यों छोड़ता है सही है गलत है अगर साला का साथ झगड़ा हुआ डाउनलाइन का साथ झगड़ा हुआ साला कुछ डाउनलाइन को छोड़ बीवी क्या करी तो DxN को क्यों छोड़ता है तो ये डिसीशन विल मेक यू स्ट्रांग बिकॉज बिजनेस में अच्छे दिन भी आएंगे खराब दिन भी आएंगे कुछ दिन ऐसा रहेगा सब आपका साथ रहेंगे कुछ दिन ऐसा अकेले अकेले महसूस होगा कोई आपका साथ नहीं रहेगा बट फिर भी आपका डिसीशन चेंज होना नहीं है बिकॉज आपका प्यार डीएक्सन से एक सच्चा प्यार है इसीलिए डीएक्सन को कभी नहीं छोड़ना ये डिसीशन रखना सिस्टम को रखना जीट विल मेक यू क्राउन एम्बेसडर थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट इन गो क्राउन थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट स्टैंडिंग ओवेशन में वो तालियां और वो सीटीया चाहिए जो मुंबई महाराष्ट्र मलेशिया सुन सके तालियां कम हो रही है मुझे और तालियां चाहिए वो तालियों की गूंज चाहिए कमांड डि एक्शन डिएक्शन मुंबई थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट